अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ कासिम बिन यासर फ्रॉम एनएम एसोसिएट्स। वेलकम टू एनएम एसोसिएट्स प्रॉपर्टी टूर। आज हम आपके लिए लेक सिटी लाहौर के ब्लॉक M7A में एक बहुत ही खूबसूरत सात मरले का घर फेसिंग मेन लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, और बिल्कुल इसके लेफ़्ट साइड पे आपको एक पार्क मिल जाता है, फुटबॉल ग्राउंड, जिधर आपको स्विंग्स और आपको झूले मिल जाते हैं। एक बहुत ही प्राइम लोकेशन का घर। घर की बात करें तो घर के फ्रंट एलिवेशन जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें रॉक स्टाइल टाइल्स लगाई गई हैं और बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन दिया गया। साथ ही कैमरास को इंस्टॉल किया गया है। आपको एक फुल सॉलिड ब्लैक कलर का डोर मिल जाता है और आपको गैरेज में एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइल्स मिल जाती है। अप क्लोज फ्रंट एलिवेशन में आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न एलिवेशन है, जिसमें आपको बहुत ही एलिगेंट लाइट्स और कर्व्स का नज़र आते हैं। गैरेज में एंटर हो तो इजीली एक एसयूवी, बिग साइज एसयूवी इस गैरेज में खड़ी हो सकती है। गैरेज में देखें तो आपको सबसे पहले ऊपर फॉल सीलिंग मिल जाती है डायमंड शेप में, तीन डायमंड्स को कंबाइन किया गया है। इसके साथ ही आपको मोज़ेक वर्क मिल जाता है, जिसमें अल्लाह का नाम लिखा गया है और उसके ऊपर हाई लाइटिंग लाइट लगाई गई है। इसके अलावा जो घर की कलर थीम है, कलर थीम वॉल मिल जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं रॉक स्टाइल टाइल यूज़ की गई हैं, जो कि इसको काफ़ी एलिगेंट लुक दे रही हैं। इधर से आपको ग्रैंड एंट्रेंस मिल जाती है, जो कि लॉबी एरिया में लेके जाती है, और इस तरफ से आपको ड्राइंग एरिया की एंट्रेंस मिल जाती है। चलें आपको इस एंट्रेंस से लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं डोर काफ़ी एलिगेंट डोर है, आपको 8 फुट का एलिगेंट डोर मिल जाता है, जिसके ऊपर स्टाइल और डिज़ाइन बनाया गया है, और काफ़ी अच्छा डोर हैंडल मिल जाता है प्रीमियम क्वालिटी का। अंदर एंटर हो तो सबसे पहले आपको लॉबी एरिया मिल जाता है, जिसमें आपको डोम स्टाइल ऊपर एक खूबसूरत सी फॉल सीलिंग मिल जाती है, सामने एलिगेंट सा लैंप मिल जाता है, एंड साथ ही राइट साइड पे आपको पाउडर रूम मिल जाता है, जिसमें आपको कैपिटल की एक्सेसरी का फुली टाइट पाउडर रूम मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं ग्रे एंड वाइट कलर की थीम यूज़ की गई है। आगे चलते हैं तो इधर से ऊपर जाने का रास्ता है, इसको बाद में एक्सप्लोर करते हैं। ये आप देख सकते हैं डबल लाइट लैम्प, काफ़ी खूबसूरत एंड यूनिक चीज़। अब आपको इसके टीवी लॉन्च की तरफ लेके चलते हैं। टीवी लॉन्च के दरवाज़ों की बात करें तो वुड यूज़ की गई है और ग्लास यूज़ करके आपको डोर्स दिए गए हैं। इस तरफ लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं आपको फिर काफ़ी कमाल का वुड डिज़ाइन और ग्लास यूज़ करके डोर दिया गया है। सामने आपको वॉल पेपर डिज़ाइन दिया गया है 3D, एंड इसके अलावा आपको बहुत ही खूबसूरत वॉल हैंगिंग लैंप्स दिए गए हैं, और सामने मीडिया वॉल दी गई है, जिसमें वुडन टच दिया गया है फुल आपको मीडिया वॉल में। नीचे आपको वैनिटी दी गई है और मीडिया वॉल के ऊपर आपको एक फुल टाइल दी गई है। टाइल्स की बात करें तो 2x4 की टाइल्स यूज़ की गई हैं। ऊपर काफ़ी एलिगेंट फॉल सीलिंग मिल जाती है आपको, जिसमें हाई लाइटिंग लाइट्स हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत एल शेप वर्क भी किया गया है, ब्लैक एंड गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन का आपको शैंडलियर मिल जाता है, साथ ही आपको फैन इंस्टॉल मिल जाते हैं। सामने बिल्कुल आपको किचन मिल जाता है। किचन में चलें तो काफ़ी स्पेशियस किचन है, आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट्स, ड्रॉर्स मिल जाते हैं, फ्रिज एरिया मिल जाता है, एंड माइक्रोवेव ओवन एरिया, और काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, जिसके साथ आपको कैनमोर का, जो कि टर्की का ब्रांड है, आपको हुड एंड कैरन का स्टोव मिल जाता है। ओपन एरिया की तरफ आपको एक विंडो मिल जाती है लाइट एंड वेंटिलेशन के पासिंग थ्रू के लिए। चलें उस एरिया को देखते हैं। इधर आपको एक ओपन एरिया मिल जाता है, जिधर आप अपना वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए ऊपर तक ओपन है, और ऊपर ग्रिल लगाई गई है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, और डबल विंडो दी गई है राइट एंड लेफ्ट साइड पर, एक किचन को और एक बेडरूम को। बेडरूम की तरफ चलें तो अगेन आपको वुडन डोर मिल जाता है, एंड देन आपको बेडरूम मिल जाता है, जिसमें आपको विंडो मिल जाती है, वेंटिलेशन एरिया जिसको पेशियो कहते हैं उसकी तरफ। ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है क्यूब शेप्स में, एंड बेड वॉल पे आपको काफ़ी खूबसूरत 3D वॉलपेपर डिज़ाइन विद वॉल हैंगिंग लैंप्स मिल जाता है। साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम में चलें तो आपको काफ़ी यूनिक वॉशरूम डिज़ाइन मिलता है, जिसमें ब्लैक एंड गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करके वैनिटी दी गई है आपको, काफ़ी खूबसूरत किस्म की सोनेक्स की एसेसरीज यूज़ की गई हैं, कंसील्ड एसेसरीज यूज़ की गई हैं, और एसेसरीज के पीछे
डिफरेंट कलर वॉल बनाई गई है जो कि इस घर को बहुत ही एलिगेंट लुक देती है। इसके अलावा एक स्पेशलिटी, आपको वॉल हैंगिंग लैंप्स मिल गए हैं एंड वार्डरोब में आपको रैक्स एंड ड्रॉज मिल जाते हैं। वार्डरोब की हाईलाइटिंग के लिए आपको ऊपर स्पेशल लाइट्स मिल जाती हैं स्पेसिफिक वार्डरोब को हाईलाइट करने के लिए। बिल्कुल इसके एडजस्टेंट ही आपको सेकेंड बेडरूम मिल जाता है। सेकेंड बेडरूम की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हैं सेकेंड बेडरूम का आपको काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आता है। काफ़ी खुला बेडरूम है जिसमें आपको बेड वॉल पे सिरेमिक डिज़ाइन के अंदर वॉलपेपर डिज़ाइन से बहुत ही खूबसूरत आपको एन एलिगेंट किस्म का बेड वॉल डिज़ाइन मिल जाता है। साथ ही इधर आपको अगेन वार्डरोब मिल जाती है जिसको हाइलाइटिंग के लिए लाइट्स लगाई गई हैं जिसमें रैक्स एंड ड्रॉज आपको दिए गए हैं। वेंटिलेशन के लिए इस तरफ आपको विंडो मिल जाती है, साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है जिसमें अगेन आपको वैनिटी मिलती है काफ़ी खूबसूरत स्टोरेज के साथ। वैनिटी, वॉल हैंगिंग, शावर, अगेन शावर को हाईलाइट करने के लिए, वॉशरूम की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए डबल टाइल्स यूज़ की गई हैं, कंट्रास्ट किया गया है और कंसील्ड एक्सेसरीज लगाई गई हैं सोनेक्स की। चलें इस घर के हम अब आपको ड्राइंग एरिया की तरफ लेके चलते हैं। ड्राइंग एरिया में जाएं तो सबसे पहले नोटिसेबल चीज़ इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग एंड बहुत ही खूबसूरत किस्म का शैंडलियर है। ब्लैक एंड गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है। काफ़ी खूबसूरत फैंस लगाए गए हैं। सामने आपको विंडो मिल जाती है क्यूबिक शेड जिसमें सेफ्टी ग्रिल्स लगाई गई हैं। इधर आपको वॉलपेपर वॉल मिल जाती है एंड नीचे आपको काफ़ी खूबसूरत 1/2 की टाइल्स मिल जाती हैं। चलें इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हुए सबसे पहले आपको मेटालिक सेफ्टी ग्रिल मिल जाती है दो कलर कॉम्बिनेशन में, लाइट गोल्डन एंड ब्लैक। मार्बल टाइल्स मिल जाती हैं। ऊपर जाके सबसे पहले आपको लॉबी टाइप एरिया मिल जाता है जिसमें ऊपर अगेन आपको मेटालिक स्टाइल फॉल सीलिंग मिल जाती है विद हाईलाइटिंग लाइट और इधर आपको डोम स्टाइल फॉल सीलिंग मिल जाती है। ये आपको छत का एरिया दिया गया है, स्मॉल छत। इधर आपको वॉशिंग एरिया दिया गया है एंड आपको इधर से काफ़ी अच्छा व्यू आता है पार्क का एंड मेन रोड का। चलें फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ सबसे पहले टीवी लाउंज मिलता है अगेन जिसके डोर में आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास और वुडन डोर मिल जाता है। अंदर एंटर हो तो सबसे पहले आपको सामने अगेन 3D वॉलपेपर मिल जाता है, ऊपर यूनिक फॉल सीलिंग विद ब्लैक एंड गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन, शैंडलियर एंड एल शेप फॉल सीलिंग। मीडिया वॉल आपको वुडन मीडिया वॉल मिलती है जिसके नीचे आपको कंसोल मिल जाता है और बिल्कुल ही राइट साइड पे आपको किचन मिल जाता है अगेन विद ग्रेट स्पेस, ड्रॉर्स, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन की अलग स्पेस के साथ डेजिग्नेटेड स्पेस, कैनमोर टर्की का आपको हुड मिलता है एंड साथ ही कैनन का स्टोव मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडोज़ मिल जाती हैं ओपन टू स्काई एरिया की एंड देन आपको 3 बेडरूम मिलते हैं। फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं तो आपको काफ़ी खुला बेडरूम मिल जाता है जिसमें 2x4 की टाइल्स यूज़ की गई हैं। सामने आपको ब्लैक वॉलपेपर मिल जाता है 3D स्टाइल में जिसमें हल्का सा गोल्डन टच है। वॉल माउंटेड आपको वार्डरोब मिल जाती है ब्लैक कलर में, हाईलाइटिंग लाइट्स मिल जाती हैं वार्डरोब के लिए और ऊपर काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग मिल जाती है आपको जिसमें हाईलाइटिंग लाइट यूज़ की गई है। विंडो मिल जाती है जिसके आगे आपको लैंप मिलता है, काफ़ी खूबसूरत रात का व्यू आएगा इसमें आपको। इधर से आप साइड पर बैठ के पार्क का व्यू भी ले सकते हैं। वॉशरूम मिल जाता है जिसमें आपको वैनिटी मिल जाती है क्लियर कलर में, कंट्रास्ट कलर में टाइल्स मिल जाती हैं, कंसील्ड एक्सेसरीज मिल जाती हैं सारी की सारी आपको एंड आपको ऊपर काफ़ी खूबसूरत सोनेक्स की एक्सेसरीज के साथ वॉशरूम मिल जाता है। मूविंग फॉरवर्ड हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। आपके सामने एक विंडो नज़र आ रही होगी काफ़ी खुली लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए, मास्टर बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का जिसमें आपको बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग वेव स्टाइल में मिलती है हाईलाइटिंग लाइट के साथ और लेफ्ट साइड पे बहुत ही एलिगेंट आपको
बेड वॉल मिल जाती है जिसमें सिरेमिक और वॉलपेपर डिज़ाइन का यूज़ किया गया है। इधर आपको ग्रे टच में, इस तरफ आपको ग्रे टच में वार्डरोब मिल जाती है जिसमें हाईलाइटिंग लाइट यूज़ की गई है, और बिल्कुल इसके साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है जिसमें वैनिटी यूज़ की गई है, वाइट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, सोनेक्स की एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं और कंसील्ड एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं। बिल्कुल इसके एडजस्टमेंट लेफ्ट साइड पे आपको थर्ड बेडरूम मिल जाता है फर्स्ट फ्लोर का, उसमें चलते हैं। इसमें जाएँ तो सबसे पहले अगेन आपको बेड वॉल पे बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन मिलता है सिरेमिक एंड वॉलपेपर डिज़ाइन का, वॉल हैंगिंग लैंप्स मिलते हैं, ऊपर आपको डायमंड शेप वॉल सीलिंग मिल जाती है एंड वॉल माउंटेड वार्डरोब मिल जाती है विद हाईलाइटिंग लाइट। इसके साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है जिसमें आपको वैनिटी मिल जाती है ब्लैक कलर में, वॉल हैंगिंग लैंप्स, शावर मिल जाते हैं एंड साथ ही आपको कंसील्ड कम्बोर्ड मिल जाता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।